भारत न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। बिजनौर के चांदपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान एक नर्सिंग होम में महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला के गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिला को दोपहर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, शाम को परिजनों को महिला की मौत का पता चला। आरोप है कि डॉक्टर ने वक्त रहते महिला का ऑपरेशन नहीं किया, जिससे उसकी जान बच सकती थी। डॉक्टर ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। महिला की मौत का कारण डिलीवरी के दौरान अटैक आना बताया है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के धनौरा मार्ग स्थित भाटिया मैटरनिटी होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर का है, जहां एक महिला की प्रसव पीड़ा के दौरान नर्सिंग होम में मौत हो गई। बताया जाता है कि सोमवार को दोपहर के किसी समय अमहिरा निवासी महिला अनीसा उर्फ निशा पत्नी शमशीद को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वहां लाया गया था, जिसके बाद महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में महिला के पेट में पल रहे बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके बाद महिला को नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए एडमिट कर दिया गया। शाम को परिजनों को महिला की मौत का पता चला तो परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे परिजनों का आरोप था कि घंटों उन्हें मरीज के बारे में नहीं बताया गया, न ही उससे मिलने दिया गया। जिस समय उन्होंने महिला को एडमिट किया गया वह सही थी, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करने की बात कह रहा था। हमने ऑपरेशन को भी बोल दिया था, अगर उसके बस की बात नहीं थी तो हमें बता देता, हम कहीं और ले जाते। अगर वक्त रहते हमारी पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता तो उसकी जान बच सकती थी। मृतक महिला की करीब एक वर्ष पहले ही अमहिरा निवासी शमशीद से शादी हुई थी। महिला का मायका चांदपुर का ही है, जिसके चलते ससुराल वाले उसे यहाँ लेकर आए थे। डॉक्टर ने लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महिला की मौत का कारण डिलीवरी के दौरान अटैक आने को कारण से मौत हुई है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। उपचार के दौरान मृत्यु हुई है, वह कौन थी आपकी? उनकी मृत्यु कैसे हुई है? अस्पताल में। कैसे हुई है? सुबह आया था मैं जी अल्ट्रासाउंड के लिए जी। मैंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसके बाद ये बोलते हैं कि हम इसे नॉर्मल कर देंगे बच्चे को। मैंने जी ठीक है, अब हम इनसे सुबह से कह रहे हैं कि भाई या तो हमें दिखाओ उन्हें या हमारी बात कराओ, तो इन्होंने ना तो मुझे मिलवाया जो बात है। उसके बाद अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर से पहले मैंने कहा मैं मुझे दिखाओ एक बार, इन्होंने मुझे दिखाई नहीं। शाम तक हम इनसे कह होगा भाई तुम्हारे बस की बात हो तो सही करियो, अन नहीं है तो हम ले जाएंगे, ये बात कही। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इंतकाल हो गया। आपको कब पता लगे आपके पति का इंतकाल हो गया? जब ही आ तो आती है अंदर आए हमारे माँ बाप आए, चाचा आए हमारे, डॉक्टर साहब के थोड़े गए। अभी सुनने में आया है कि आप पर दबाव बनाकर फैसला लिखवाया गया, ऐसा भी है क्या? नहीं, दबाव नहीं बनाया कि नहीं। तो फैसला कैसे लिखा गया? कई बार जो है यहाँ सुनने में आ रहा है कि हर आदमी यहाँ से मर के निकल गया। मृत्यु हुई है, वह कौन थी आप? मेरे लड़के बोधी साहब। अच्छा, उनकी मृत्यु कैसे हुई है? ये हुई साहब, मैं उसे यहाँ मैंने भिजवा था एड्रेसों के भिजवा था। अब जब एड्रेसों कराए तो इसने ये बोले कि भाई इसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। तो हमने क्या भाई अब क्या करना कैसे करना, ये बोले भाई इसका बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाएगा ऐसे ही। चलो भाई मैं ऐसे हो जाए तो रही ठीक है, और मरीज तो चाहता है ये बात कि भाई मेरा मरीज ठीक हो जाए। तो अब ये कहते थे पहले कहते थे कि नॉर्मल हो जाएगा, हम नॉर्मल होते होते कम से कम 4 घंटे इन्हें अपने पास रखा। वो हमारी कम से कम 12 बजे यहाँ आई थी और इसने लापरवाही भुगती बहुत तकड़ी। इसने 4 बजे ऑपरेशन के लिए भेजा और 4 बजे तक, 4 बजे भेजने के बाद में डॉक्टर इसका ऑपरेशन वाला आया है 7 बजे। जब तक हमें कोई हमारी बातचीत कोई दिखावा नहीं करी हमारी और कोई देखभाल नहीं करी इसने अपने हमारे मरीज हमारे मरीज। डॉक्टर कहाँ से आए थे, कहाँ से बुलवाया? डॉक्टर ये कह सकते हैं कहाँ से बुलवाया था, मुझे जानकारी नहीं है। ऑपरेशन के डॉक्टर बाहर से आते हैं? जी जी, इसे जब छोटी नहीं थी, जब इसे और छोटी नहीं थी ऑपरेशन करने के लिए, तो इसने क्यों रोका था मरीज को कि मैं ऑपरेशन करूँगा?
तो आप इसे डॉक्टर लापरवाही मानते हैं? जी हाँ। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? है? अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम भी चाहते हैं इसका जो अस्पताल सील होना चाहिए, हमें चाहते हैं इसका सील होना चाहिए, क्योंकि हम मैं जानता हूँ आप भी सब बच्चों वाले हैं, आपको दुख होगा इस बात का, जैसे मेरा बच्चा खत्म हुआ ऐसे बच्चा क्या खत्म होगा, जैसे मेरे घर जाना इसने, आपको विरोध की बात होनी चाहिए कि ये क्या हुआ इसने, हम चाहते हैं इसका सील होना चाहिए अस्पताल, ये किसी और को ना मतलब ऐसा करे, किसी और की मतलब घर न जाए।